नव्या सृजना संस्था द्वारा एहसास फिर मुस्कुराएगा इंडिया नाम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आर्य ऑडिटोरियम दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर काउंसलर अनामिका जी ने शिरकत की। सुभाष बराना जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूनिसेफ की टीम से इस कार्यक्रम को सहयोग किया। वहीं रोटरी क्लब शाहदरा की ओर से 5 व्हील चेयर गिफ्ट की गई। उस कार्यक्रम में व्हील चेयर पर बेहद सुंदर रैंप वॉक दिव्यांगजनों ने की। वहीं नेत्र बाधित बच्चों की रैंप वॉक ने भी अलग संदेश देती हुई प्रतीत। बच्चों ने ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आरना वधावन जो सिर्फ 12 वर्ष की है वो बहुत छोटी उम्र से समाज सेवा से जुड़ चुकी है और काफी लोगों के लिए काम करती है। कार्यक्रम में आरना वधावन के द्वारा डिफरेंटली एबल्ड सिटीजंस के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें काफी बच्चों ने हिस्सा लिया। गरीब बच्चों को खाना डोनेट किया। ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए काफी आरना काफी मन से काम करती है और काफी समय से कर रही है। आपको बता दें कि आरना की मदर ने भी जानी मानी डॉक्टर है डॉक्टर अनुरीता वधावन जो खुद भी एक समाज सेविका है और काफी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। जिस घर के माता पिता ऐसे हो तो बच्चों को तो सबक शिक्षा मिलेगी। आरना बहुत छोटी उम्र से इस काम में लग गई है और एक दिन जरूर भारत देश का नाम रोशन करेगी। आरना को आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए ताकि आरना की तरह से काम करती रहे और गरीबों की मदद करती रहे। नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। आज नव्य सृजना के इस कार्यक्रम एहसास फिर मुस्कुराएगा इंडिया में हम लोग अपनी NGO IRK फाउंडेशन की तरफ से इन लोगों के फूड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग फूड इन बच्चों को जो ब्लाइंड बच्चे हैं यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पूरी टीम ARK की आज यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ से है हमारी एसोसिएशन में है। और ऐसी चीज़ों के लिए कुछ करना ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि नव्य सृजना पिछले 6-7 सालों से ये काम कर रही है स्लम के बच्चों को और जो रोड स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं उन बच्चों को उनके टैलेंट को लेकर बाहर आती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पीछे कि यहाँ पर इन लोगों ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी रखा हुआ है और हमारे साथ देखिए आज के आने वाली जनरेशन जो हमारा भारत है बच्चे उनको हम संस्कार दे सकते हैं ऐसी ऐसी जो इवेंट्स के जरिए। तो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची यहाँ पर है आरना वधावन और आरना बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और अपने जो डॉग्स के लिए जो रोड स्ट्रीट अपने जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी काम करती है। आज आरना ने इस फूड ड्राइव में हम लोगों को सपोर्ट किया है और यहाँ इन बच्चों के इस फूड में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी आरना का आज यहाँ रहा। अभी वाराणसी के भी एक कार्यक्रम में आरना ने काफ़ी सारे पौधों के लिए वहाँ पर वो जा नहीं सकी खुद फिजिकली वहाँ पर लेकिन उसने उन लोगों के पौधों के लिए भी वहाँ पर डोनेशन किया। तो आरना ये कह सकते हैं कि एक बात छोटी सी समाज सेविका हम लोगों के साथ है। आरना कैसा लग रहा है प्रोग्राम में? मुझे बहुत अच्छा लगा सबको खाना देकर एंड आई बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई विल बी डूइंग इट फॉरएवर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आरना? आई मीन सेवन्थ। सेवन्थ में पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चों को अगर हम संस्कार उनके अंदर डालते हैं कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए दूसरों की मदद करनी चाहिए तो हम आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत एक अच्छा भारत दे पाएंगे। और इस पूरे एहसास फिर मुस्कुराएगा इंडिया के जरिए इन्होंने स्वच्छ भारत को जो मिशन को आगे लाने की कोशिश की है और बहुत सारे ऐसे बच्चे को प्लेटफॉर्म दिया जो बच्चे सच में यहाँ आने के सपने देखते हैं।